बताई कि अपना खाता में 15 लाख रुपया आ गए। 15 लाख दादू ऐसा नहीं पूरे हिंदुस्तान में बट ही हर पर व्यक्ति। हाँ तो फिर देश फिर वह पाकिस्तान जैसे कंगाल हो जाए। कंगाल कब होने हुई अपना ही बताए कि 35,000 करोड़ मूर्ति बनवा दी है। हमारी बात सुना। हाँ। अगर 15,000 तो हमके दे दे तो कल दूसरे का मजदूरी करे जाबे ना जा काहे ना जाबे ऐसे क्या जो तुमके बैठे बैठे फिर मिल रहा है तो कहा सही है। हाँ तो ऐसे 15 लाख रुपया उन्हें बहुत ठीक करेंगी ऐसे के सब पब्लिक फिर हो जाती आलसी निकम्मी आलसी। अब देखा जो राशन कार्ड बना है। हाँ यह मैं अभी आज वह जा कौनो उनके कोलन किया कौनो जाति कहा भाई चला हमारे ही काम कही दे तो कहा थे हमें खाए भर के हमारे शासन दिन रही है तो हम कहे जी तुम्हार काम करे तू ही हमारे कही दे। सही बात आजकल दादू ये जमाना है तब अब शासन सत्ता बुनकर आ गए तो बोले अब जैसे कांग्रेस है इतना बोले कि हम सब किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। आज तक कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ कुछ मालूम है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना सत्ता में आने के लिए एक बकवास बस फिर वह भैया तो आजकल सब यही हो रहा। हाँ हमारे हिसाब से बीजेपी नंबर वन सरकार है जो केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी है एक नंबर का काम कर रहे हैं और यही भर नहीं हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में उनकी प्रशंसा हो रही है। मोदी जी काम अच्छा करी पर थोड़ा झूठ तो बोली। अरे झूठ यहाँ झूठ बोली कि 15 लाख रुपया खाता में डालब अब विदेश से काला धन लाइयो। काला धन और काला धन उन्होंने लाए नहीं है काला धन निर्मम मोदी विजय माल्या सब दादू लाइन में सब ले यानी कई 1,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान का लेकर भाग गए। अब एक ठनी अपना केबिन ओबराय का नाम सुने हो राय का यादव सहारा बैंक खोले हाँ, हाँ, उनका मोदी जी और योगी आदित्यनाथ मिलकर जेल में बंद कराए दी। हाँ, हाँ, तो ये व्यक्ति जाति विशेष पर भी ऐसा कुछ नहीं वो किया जा रहा जो है। नंबर दो के काम करी तो वो पकड़ाई जी नंबर एक के काम करी ओके करो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है पर उसका नंबर एक काम है जी नंबर दो के काम करा था वह आदमी परेशान है ये शासन सत्ता में बीजेपी के। अच्छा हाँ हमारे हिसाब से जो नंबर दो के काम जी कह रहा है वह परेशान है नंबर एक वाला बिल्कुल परेशान नहीं है। अच्छा ऐसे को उसको मालूम है हमारा नंबर एक सब सो करके बैठा हुआ जो नंबर दो का काम करता है तो आप उसकी फटी पड़ी है वो ये सोचता है कि मैं इसको क्या करूँ कैसे छुपाऊँ कहाँ ले जाऊँ। इतना बड़े लोग हैं इसे एक प्रॉपर्टी मान लें। हाँ। कुछ तुम्हारे ना तुम्हारे जैसे मान लो कि मजदूर हमारे घर काम करते अथाह प्रॉपर्टी में ले गए कुछ तुम्हारे ना करवाए थे कुछ दूसरे